So good evening, everyone, students. Let's start with sum number 9, which is on page number 149. Sum 9, page 149. The chapter is admission of partner. Or 12th standard ki textbook se hum log padh rahe students. Ye sari info deni padti hai for students who are going to watch the video on YouTube. Okay. So the following is the balance sheet of Mr. Triveni Traders on 31st March 2019. Narmada and Godavari. ठीक है students. दोनों partners है. Reverse के नाम नहीं है. Of the firm who showed profit and losses in the ratio 3:2. चलो स्टूडेंट्स 3:2 को ऐसे गोल 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 करो एकदम मस्त वाला और वहां पे लिख लो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो. सबसे पहले स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स दिया, बताओ क्रेडिटर्स क्या होगा? लायबिलिटी में जाएगा. ओके. उसके बाद स्टूडेंट्स नर्मदा और गोदावरी है. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, यहाँ पे भी आएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. ठीक है स्टूडेंट्स. कैश एट बैंक, बैंक तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड आएगा. बिल्डिंग एसेट, मशीनरी एसेट, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट. ठीक है, 1, 2, 3, 4 ज्यादा एसेट लिख दिया, 1, 2, 3, 4 नहीं बराबर है, सब एसेट एसेट एसेट. दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप. तो स्टूडेंट्स नर्मदा और गोदावरी ने कावेरी को भी अंदर ले लिया. ओके. एंड दे शैल पे 4000, कावेरी शैल पे 4000 रुपीज एज अ शेयर ऑफ गुडविल द अमाउंट टू बी रिटेन इन बिजनेस. बताओ स्टूडेंट्स इसका क्या एंट्री आएगा? कैश टू गुडविल, गुडविल टू, वेरी गुड ना. तो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. हमने ऐसा किया था, हमने क्या बोला था? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. यहाँ पे कैश के लिए हमें क्या दिया हुआ है? बैंक वर्ड दिया है. तो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. सिद्धेश अभी हमने आज जो सुबह किया था सेम समय, कुछ भी अलग नहीं, अच्छे से ध्यान रखना. नेक्स्ट, शी शैल ब्रिंग 12,000 एज अ कैपिटल. तो कावेरी कितना लाएगी स्टूडेंट्स? 12,000. टेल मी हु इज द रिसीवर? बिल्डिंग को टिकर, उसमें एडजस्टमेंट है. मशीनरी में एडजस्टमेंट है, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक, अरे यार बचा ही क्या, सब में ही एडजस्टमेंट है. चलो सबसे पहले बिल्डिंग का देखेंगे स्टूडेंट्स. बताओ ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? सॉरी ऐड हो रहा है. तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग. सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? पीएनएल. तो अच्छा, असेट बढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात? तो पीएनएल क्रेडिट साइड आएगा, बहुत अच्छी बात है. तो मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस कर रहे, रिड्यूस मतलब ऐड या लेस? लेस. सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? पीएनएल. वेरी गुड, पीएनएल डेबिट साइड. ऑनलाइन में काफी कम बच्चे बोल रहे हैं पीएनएल. चलो प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेटा, तो प्रोविजन ऐड होता है कि लेस होता है? लेस. सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? पीएनएल डेबिट साइड. स्टॉक इज टेकन एज अ वैल्यू 20,000, बोलो ऐड या लेस? ऐड. ऐड होगा. चलो ठीक है, कितना ऐड होगा? ओके. और अच्छा, पीएनएल क्रेडिट साइड जाएगा, ये नॉट अ प्रॉब्लम. फाइन. चलो किसी को कोई डाउट अब तक फिलहाल सम में अंदर स्टूडेंट्स? कैन आई से अब तक जितना सम कर रहे वो सम हम लोग अब तक करते ही आ रहे, उसमें कुछ भी नया नहीं है. चलो तो अभी देखेंगे एक्स्ट्रा आगे क्या आने वाला है. अभी एक चीज नहीं आने वाली है, इफ यू गाइस वांट जस्ट राइट इट डाउन, जो भी मैंने रेड कलर से लिखा एक बार लिख लो, मैं इसको रब करने वाला हूँ. लिख लिया है? चलो मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए. अब देखो खाली एक ही एडजस्ट नंबर 4 हमारे लिए नया है. इस सम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट नंबर 4 नया, बाकी पूरा का पूरा सम एकदम सिमिलर है. The excess of capital of Narmada and Godavari over their due proportion of sharing profit losses in the new firm is to be transferred to their respective loan account. So, students, ये point जब हम लोग sum के last में तुम लोग को बताऊंगा कि हमें क्या करना है. Is that okay? फिलहाल इसको हम लोग discuss नहीं कर रहे. चलो format बनाएंगे सब लोग. चलो format बना लो फटाफट एक बार के लिए. Okay. स्टूडेंट्स मैंने अब यहाँ पे फॉर्मेट पूरा बना दिया है. सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो उसको एज इट इज लायबिलिटी में लिख देंगे. लायबिलिटी में हमेशा ऊपर 3-4 लाइन हम लोग छोड़ते हैं स्टूडेंट्स. क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का? 49,600. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट कितना है? 28,000. ठीक है, देखो मैं यही पेज पे सम सॉल्व करने वाला हूँ.
If you feel that you are going slow and I'm going too fast, so you can just keep your pencil down and you can pay attention in the sum. Okay? आपको लग रहा है कि आप मेरे साथ कोप अप कर सकते हो तो आप साथ में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द सम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. और सम का अगर लास्ट पॉइंट छोड़े उसके अलावा सम पूरा सिमिलर है, हम सब सेम सम काफी बार कर चुके हैं. इज दैट ओके? चलो क्या हुआ बैलेंस शीट? ओके ओके चलो अब यहाँ अच्छा सुन, यहाँ पे हमारा कौन सा 1 अप्रैल 2019 आएगा. ओके चलो अब हम लोग को क्या करना है, गोदावरी और कावेरी में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000 नर्मदा का है और गोदावरी का भी 28,000 है. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो आफ्टर दैट कैश एट बैंक, तो हम बैंक अकाउंट में जाएंगे. कैश एट बैंक तो बैंक अकाउंट में, ये हमारा यहाँ पर ये जो बना है वो बैंक अकाउंट है. यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे बैंक अकाउंट वर्ड लिख रहा हूँ. ओके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में कितना अमाउंट दिया है? 4,000 रुपीज दिया है, ठीक है? 4,000 लिख दिया मैंने यहाँ पर. बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, अब पांचों में यहाँ पे कहाँ पे लिखने वाला, असेट में असेट लिखने वाला और पांचों में एडजस्टमेंट है, ठीक है? बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक और डेटर्स, इज दैट ओके? कितना है? 20, 28, 1200, 28,000, 1200, 1200 क्या इतना कम? फर्नीचर खाली 1200 रुपए का है, 16,400 और डेटर्स कितना है? 36. चलो ठीक है, यहाँ पे हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर दिया है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट फिलहाल कंप्लीट हो चुका है एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू द, अब हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे. सब में एडजस्टमेंट जैसे सबको मैंने डिटेल कॉलम में लिखा हुआ है. सबसे फर्स्ट, दे टेक कावेरी इनटू द हॉस्पिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. कावेरी शैल पे 4,000 एज़ गुडविल. तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. टोटल चार एंट्री करनी है, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. तो बी से स्टार्ट करें बैंक ना, तो बी बैंक से स्टार्ट करेंगे. तो बैंक के घर पे कौन आएगा सबसे पहले? टू गुडविल अकाउंट. कितना अमाउंट है? 4,000. बैंक के घर पे गुडविल, गुडविल के घर पे बैंक, बाय बैंक अकाउंट. और अमाउंट कितना आएगा? 4,000 रुपया. चलो ठीक है, बैंक के घर पे गुडविल, गुडविल के घर पे बैंक. बी जी पूरा कंप्लीट हो गया हमारा स्टूडेंट्स. अब क्या करें? जी ओ, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. तो स्टार्ट क्या करेंगे? गुडविल से स्टार्ट करेंगे. टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दोनों का नाम लिखेंगे. क्या नाम है? नर्मदा और गोदावरी, गोदावरी. इज दैट ओके? अच्छा स्टूडेंट्स, इन लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया था हम लोग को? 3:2. तो बताओ ये 4,000 का 3:2 क्या होगा? 2400 and 1600. वेरी गुड बेटा, 2400 and 1600. तो 4,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, 4,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा? 800 आएगा. नाउ 800 into 3, 800 into 2, तो 2400 और 1600, ठीक है? चलो अब इसके बाद स्टूडेंट सेकंड फैक्ट देंगे. गुडविल के घर पे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल. तो चलो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल. वहां पे डेबिट साइड था तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग, बाय गुडविल अकाउंट 2400 1600. और इसी के साथ हमने टोटल चार इफेक्ट दिए, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, और हमारा एडजस्ट नंबर 1 पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है? आफ्टर दैट तुमने सारे फैंस बंद क्यों कर दिए? ठंडी लग रही थी. ओके चलो, शी शाल ब्रिंग, शी मतलब कौन? कावेरी शाल ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल, ठीक है? तो 12,000 कैपिटल होगा स्टूडेंट, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक इज द रिसीवर एंड कावेरी इज द गिवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कावेरी अकाउंट. तो चलो स्टार्ट कहां से करेंगे? बैंक से स्टार्ट करेंगे. तो बैंक के घर पे कावेरी आएगी टू कावेरीज कैपिटल अकाउंट. कावेरी को इज्जत देनी पड़ेगी तो कैपिटल वर्ड लिखेंगे, बिकॉज वो अपनी पार्टनर है, कोई आम आदमी नहीं है. तो कावेरी 12,000 लिखेंगे, बैंक के घर पे कावेरी
अब कावेरी की स्टूडेंट्स क्या आएगा? बैंक आएगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। तो तुम लोग को दिख रहा है एक इफेक्ट डेबिट दूंगा तो दूसरा मैं क्रेडिट साइड देता हूँ, एक इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा। तो मैंने बैंक के घर पे लिखा है टू कावेरी कैपिटल अकाउंट और कावेरी के घर पे लिखा है बाय बैंक अकाउंट। इज दैट ओके? सबको समझ रहे अब तक? चलो अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सारे एसेट्स को रिवैल्यू करना है। चलो सारे एसेट्स को सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग। मतलब रिवैल्यू, देखो यहाँ पे लिखा है द फर्म्स एसेट वर टू बी रिवैल्यूड, तो हम भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन वर्ड यूज करेंगे। बिल्डिंग का 24 कर दिया सबसे पहले, तो ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा, ठीक है। तो कितना 4000 से ऐड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड रिवैल्यूएशन। कितना रिवैल्यूएशन? 4000 ऐड हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, असेट अभी ऑन द स्पॉट सेकंड इफेक्ट डालने का, वेट नहीं करने का। मुझे बताओ असेट ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बोलेंगे सर इतनी अच्छी बात तो कुछ नहीं लाइफ में, असेट बढ़ रहा है। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या था ये, कौन सा था? बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग में लिखेंगे 4000 बढ़ गया, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट ऑन द स्पॉट सेकंड इफेक्ट देने का, बिकॉज ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के हमेशा कितने इफेक्ट आते हैं? टू इफेक्ट। ये कब से घूम रहा है? नेक्स्ट इज, अच्छा उसके बाद क्या दिया था स्टूडेंट्स? फर्नीचर एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस 10%। तो रिड्यूस करो या डेप्रिशिएट करो एक ही बात है, पर ये लोग रिड्यूस वर्ड देंगे तो हम भी रिडक्शन लिखेंगे, अगर वो लोग डेप्रिशिएट बोलेंगे तो हम भी डेप्रिसिएशन। वो लोग जो वर्ड यूज करेंगे वही वर्ड हम भी यूज करेंगे, ठीक है। चलो मैं भूल गया क्या था, मशीनरी और फर्नीचर। तो लेस रिडक्शन एट द रेट 10%। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम आएगा। 28,000 का कितना होता है स्टूडेंट्स? 2800। और 1200 का कितना होता है? 120 रुपया। क्या यार 120, इतना छोटे छोटे अमाउंट का भी लोग कर रहे हैं। चलो 28,000 माइनस 2800 25,200। वेरी गुड 25,200। 25,200 और 1,200 में से 120 जाएगा तो 1,080। ओके 108 नौकर मंत्र नो जाप कर सु अपने 1080। चलो स्टूडेंट्स असेट ऐड हुआ या लेस हुआ? तो ये अच्छी बात है बुरी बात? बहुत बुरी बात। ओके अरे यार इससे तो लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता, इसमें मेरा घाटा, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा घाटा हो गया अपना, असेट कम हो गया। यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा सॉरी सॉरी रिडक्शन वर्ड लिखा, हम भी रिडक्शन वर्ड लिखेंगे, उन्होंने जो सुन लिखा वही हम भी लिखेंगे रिडक्शन अकाउंट। ओके कितना अमाउंट था? नहीं क्या था, मशीनरी और फर्नीचर। तो पहले मशीनरी वर्ड लिखूंगा और यहाँ पे फर्नीचर वर्ड लिखूंगा। इसमें 2800 था और इसमें 1200 था, टोटल कितना हो गया? 4000, सॉरी 120 था। ओह तो कितना होगा? 29,2। ओके मैं खुश हो गया, 2800 और 1200 बस 4000 अच्छा हो रहा है, ये मालूम पड़ा 2800 और 120 29,20 आ रहा है। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेकंड इफेक्ट दे दिया। हम लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे और आराम से स्लोली स्लोली दो इफेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसे नहीं करेगा सजेस्ट कि एक इफेक्ट कर दिया फिर आगे चले जाओ। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट स्टूडेंट, उसके बाद क्या दिया हुआ है? डेटर्स क्या 5% प्रोविजन। चलो डेटर्स का 5% प्रोविजन है तो लेस आरडीडी वर्ड यूज करेंगे, डेटर्स में हमेशा आरडीडी वर्ड यूज करने का। ओके कितना परसेंट एट द रेट? 5% है। कितना आएगा अमाउंट? 1800। चलो 1800। ओके 36,000 माइनस 1800 कितना होगा? ओके एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा और 3-4 लाइन छोड़ लेता हूँ, हमको लाइन्स तो चाहिएगी। ओके इसको ऑनलाइन कर देंगे 34,200, ठीक है 34,200। ओके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे? डेबिट में डालेंगे, बिकॉज असेट लेस हो रहा है, बहुत बुरी बात है। तो बहुत इससे तो ज्यादा लाइफ में बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। कितना? 1800 ना। ओके चलो सेकंड इफेक्ट भी टू आरडीडी अकाउंट, मैंने डेबिट में दे दिया है। अच्छा अब लास्ट क्या दिया स्टूडेंट, स्टॉक को क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे 20,000 के ऊपर। स्टॉक वैल्यू ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? तो ऐड रिवैल्यूएशन करेंगे। क्या बोला है? स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 10,000। तो मैं रिवैल्यूएशन वर्ड यूज कर रहा हूं। 16,400 कितना आएगा? 3,600।
15 चेस तो यहाँ पे 20,000 पूरा हो जाएगा. ओके और इसी के साथ हमारा एसेट क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ गया है, हमारे स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है, मस्त है ना. तो यहाँ पे पीएल में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑलरेडी हमारा हेडिंग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे खाली स्टॉक वर्ड लिख रहा हूँ, स्टॉक और 3 चेस तो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन हेडिंग दिया, तो मैंने यहाँ पे स्टॉक लिख दिया और 3600 वर्ड लिख दिया. इज दैट ओके स्टूडेंट्स. और इसी के साथ हमारा जितना अब तक नॉर्मल सम था वो नॉर्मल सम तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. आई एम गोइंग टू वेट फॉर जस्ट 2 सेकंड्स सो दैट इफ एनीबॉडी इज राइटिंग स्टिल उनका कंप्लीट हो जाए. अक्षत आपका हो गया बेटा? ओके दिया, आर यू विद अस? और कब का हो गया? निधि आपका हो गया बेटा? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरी बात सुनो. अगर लेट्स इमेजिन करते हैं मैं और तरंग दो पार्टनर है, ठीक है. मैं 500,000 लेकर आया था और तरंग भी 500,000 लेकर आया था, ठीक है. अब फ्यूचर में जाके ना मिथिल आया हमारे साथ, मिथिल भी हमारा पार्टनर बनाना चाहता था स्टूडेंट्स. और मिथिल बोलता है कि सर मेरे को भी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए. मैं बोला ठीक है चलेगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? बिकॉज मिथिल इज ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट इन आर फील्ड, मिथिल का बहुत नाम है मार्केट में. हमने सोचा अगर मिथिल हमारे पार्टनरशिप में आज जुड़ेगा तो आज हमारा वैल्यू गुडविल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑफकोर्स बहुत गुडविल बढ़ेगा. तो हमने मिथिल को बोला ठीक है मिथिल चलेगा, एक काम कर तू भी है ना क्या कर पार्टनर बन जा, देखो इक्वल पार्टनरशिप में लेंगे. तो मैंने बोला देख मैं और तरंग 5,000,000 लेके आए, देखो भी कितना लाना पड़ेगा, 5,00,000. लेकिन मिथिल बोलता है सर मेरे पास तो 5,00,000 नहीं है, मेरे पास फिलहाल 5,00,000 नहीं, मेरे पास 40,00,000 है. ओके बोला ऐसा तो होता है, देख तू कैपिटल कम लाएगा तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कम मिलेगा. तो मिथिल बोलता है नहीं नहीं सर यार मेरे को इक्वली चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल चाहिए, ऐसा क्या करते हो? तो मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं मैं और तरंग है ना बिजनेस 1,00,000 वापस रिटर्न ले लेते. तो 4,00,000 ही ला रहा है, हम दोनों ने कितना डाला है 5,00,000 डाला है. क्योंकि हमारा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रेशियो में है वही रेशियो में हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए. आर यू गाइस गेटिंग इट? जो रेशियो में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वही रेशियो में हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए. ये तुम लोग अग्री करते हो? अगर कल जाके अगर समझो ये कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट लेगा तो हमारे बीच झगड़े होने के चांस है कि यार ये तो पैसा कम ला है लेकिन इसको पूरा प्रॉफिट दे रहे हैं, है ना. घर पे भी होता है ना झगड़े, होते कि नहीं होते, ये तो कम काम कर रहा है, ये तो लेट उठता है, ये तो जल्दी उठता है, ऐसे नहीं. अगर दो बच्चे हो गए तो दोनों में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सिमिलरली इसमें तीनों पार्टनर में भी ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो देखो क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी. देखो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन में, देखो नर्मदा और गोदावरी कितना कितना लेकर आई थी, 28,000 लेकर आई थी. और ये कावेरी बहन कितना लाई, खाली 12,000. क्या बाकी दो पार्टनर को अच्छा लगेगा? उनको तो बहुत ऐसे जलन होने लग गया, ऐसा कैसे, ये तो नहीं चलेगा. ओके और लड़की को तो होता ही होता है, ठीक है, ये मेरे से ज्यादा कैसे, ये मेरे से कम कैसे. ओके उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया. द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉर्म टू बी ट्रांसफर्ड टू द लोन अकाउंट. तो स्टूडेंट जितना भी एक्सेस बचा है उसको हम फिलहाल उनके लोन अकाउंट में डालेंगे. उसका क्या मतलब होता है वो हम बाद में बताएंगे. तो अब कैसे इसको फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन है. तो मैं तुम लोग बताऊंगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे. क्या हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. क्या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? क्या हम लोग को इनकमिंग पार्टनर शेयर दिया हुआ है? इनकमिंग पार्टनर शेयर कितना है? 1/4. इनकमिंग पार्टनर का कितना शेयर है? 1/4. तो क्या फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते. चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग. हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सबसे पहले? चलो वर्किंग नोट लूंगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है. वर्किंग नोट सबसे नंबर वन क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग बाद में लिख लेना, अगर तो फिर ओके. सबसे पहले स्टूडेंट बताओ क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर? बैलेंस रेशियो फाइंड करेंगे. बैलेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, टेल मी, याद करो फटाफट. 1 - इनकमिंग पार्टनर शेयर. खाली एक सर्वरी ने आंसर दिया है और कोई किसी ने भी आंसर नहीं किया है. चलो बोलो क्या होगा बच्चे लोग, तुम लोग बताओ, ऑफलाइन बच्चे लोग बताओ. वेरी गुड, 1 - इनकमिंग पार्टनर शेयर. इनकमिंग पार्टनर शेयर खुद सीख, 1 - इनकमिंग पार्टनर शेयर. तो स्टूडेंट्स कितना था उसका इनकमिंग पार्टनर शेयर, कितना था? 1 - 1/4. तो स्टूडेंट्स 1 - 1/4 कितना होगा? तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर 3/4 आएगा. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? 3/4, ये अलग ही कुछ होता है. 3/4. तो स्टूडेंट्स हमारा इनकमिंग पार्टनर बैलेंस रेशियो कितना? 3/4 है. अब हम लोग को क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो.
Yeah, very good. So balance ratio into balance ratio multiply by bolo. Old ratio. Balance ratio multiply by old ratio. चलो सबसे पहले क्या नाम है पार्टनर का? नर्मदा. नर्मदा ही था ना सबसे फर्स्ट नाम. बताओ बैलेंस रेशियो कितना था? 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो कितना था नर्मदा का? कितना था? क्या हुआ दिया, क्या बोल रहे आप? 3/5 इज दैट ओके स्टूडेंट्स? सबसे पहले बैलेंस रेशियो अभी जस्ट फाइंड किया 3/4 और मल्टीप्लाई बाय उसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 तो स्टूडेंट्स इसको क्या हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग 3 3 9 तो 9/20 इज दैट ओके? चलो नर्मदा के बाद गोदावरी का फाइंड करेंगे. गोदावरी का अच्छा बैलेंस रेशियो 3/4 है मल्टीप्लाई बाय उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 2/5 ओके? तो इसको भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे अभी ऐसे करेंगे 3 × 6 6/20 ठीक है. देखो अगर समझो स्टूडेंट्स ड्रॉवर के अंदर टोटल 20 चॉकलेट्स थी, 9 नर्मदा खा गई और गोदावरी 6 खा गई तो बची कितनी? 5 बची. तो कावेरी का कितना होगा स्टूडेंट्स 5/20 इज दैट ओके? तो नर्मदा का कितना 9 है, गोदावरी का कितना है स्टूडेंट 6 है और इसका कितना है 5 है. तो कहना इसे 5:6:9 और ये 9 किसका है? नर्मदा का 9 है, गोदावरी का कितना है 6 है और कावेरी का कितना स्टूडेंट्स 5 है. शुल्क बताओ अभी कावेरी कितना ला रही है अपने साथ? या तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना दिया कावेरी अपने साथ कितना 12,000 लेकर आई 5 के अंदर. तो गोदावरी का कितना होना चाहिए और नर्मदा का कितना होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क. इज दैट ओके? तुम लोग को चाहिए तो ऐसे बॉक्स बना दो. हाँ बेटा 1 सेकंड. समझा बेटा कुछ? चलो स्टूडेंट्स हमें अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैपिटल फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? कैपिटल, न्यू कैपिटल फाइंड करना है. न्यू कैपिटल और न्यू कैपिटल में देखो स्टूडेंट्स नर्मदा का प्रॉफिट शेयरिंग 9:6:5 है और ये 12 लेके आया तो अभी हम लोग को बाकी दोनों का फाइंड करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं ओके? तो नर्मदा का सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 12,000 और डिवाइड बाय 5 करेंगे. समझ आया स्टूडेंट्स ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया है? अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये 9 और 12 और ये 5 और क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 × 12,000/5 ठीक है. तो आंसर कितना आ रहा है 21,600 आ रहा है ओके. नर्मदा के बाद गोदावरी का करेंगे स्टूडेंट्स. गोदावरी कितना अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे 6 से करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है 14,400 14,400 आ रहा है. तो स्टूडेंट्स कहना है इससे अभी उनका न्यू कैपिटल कितना आ गया. अगर यहाँ पे लिखेंगे न्यू कैपिटल इज इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? एक सबसे पहले आ रहा है 21,600 14,400 और इसका 12,000 Is that okay? देखो स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके प्रोपोर्शनेटली उनका कैपिटल भी लाना था. तो सबसे पहले आई विल जस्ट रिपीट अगेन हमने क्या किया, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने का प्लान किया. अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मुला सबसे पहले बैलेंस रेशियो फाइंड करना होता है. व्हाट इज द फॉर्मुला ऑफ बैलेंस रेशियो? 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर. तो ये हमारा 3/4 आ गया. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मुला क्या है? बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो. तो नर्मदा का 9/20 मिला और गोदावरी का 6/20 मिला.
अब देखो अपॉन 20 है तो इमेजिन करो अगर ड्रॉवर में टोटल 20 चॉकलेट है, 9 नर्मदा खा गई और 6 कौन खा गया? गोदावरी। तो कितनी बचेगी? 9 और 6 15 चल गए, 5 बची, तो बची कावेरी का 5.20 हो जाएगा। अब इनका रेशियो क्या दिया? 9:6:5 हो गया। और ये कावेरी कितना? 12,000 लेकर आई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों का भी कैपिटल हमको प्रोपोर्शनेटली चेक करना पड़ेगा। तो हमने कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया। इज दैट ओके? हेलो अनिश, आपको समझा ये कैसे किया हमने? यस सर। ओके अश्विन, व्हाट अबाउट यू? यस सर। ओके प्रांशु, यस विनय सर, वहां पे वो 3 कैसे आया नर्मदा? 3 कौन सा बेटा? 3 का 3 बेटा, ये 9/12,000 बोल रहे आप? नो सर, नो, मेरे को 3 लगा। हां बेटा, वो 9 है, 9/12,000 × 5 है। ओके बेटा, चलो इज दिस ओके स्टूडेंट्स? अभी आगे बढ़े। फिलहाल हम लोग को जो 2 कैपिटल मिल गया, अगर अभी तुम लोग को चाहिए स्टूडेंट्स, इसको रफ में यहाँ पे लिख दो। रफ में जो भी अपना कैपिटल होता है उसको हमेशा प्लेसमेंट का होता है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है और एक बैलेंस शीट में आता है, एक होता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या हर बार हम लोग जब बैलेंस टैली करते हैं तो आता कि नहीं आता है? एक पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग गोल करते हैं डेबिट साइड और एक बैलेंस शीट जाता है, तो चलो हम लोग वहीं पे डालेंगे इस दोनों अमाउंट को। लर्न कर लो, अब मैं वहां पे जा रहा हूँ। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाऊंगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस कैरिड डाउन। पता है हर बार हम लोग गोल करते हैं अमाउंट फाइंड करने की टाइम, 21,600, 14,400 और 12,000। बताओ सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का नाम लिखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स? नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। ठीक है, नर्मदा का कितना है? 21,600। गोदावरी का कितना है? 14,400। इसका कितना है? 12,000। टोटल कितना आएगा? 48,000 हो रहा है। 12 और 4 26 26 36 46 48। इज दिस ओके स्टूडेंट्स? और यहाँ पे हमारा पूरा सम हो गया कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अदरवाइज मैं सम कंप्लीट करने की ओर बढ़ने वाला हूँ फिलहाल। चलो सबसे पहले हम लोग क्या टैली करेंगे स्टूडेंट्स? गुडविल टैली करेंगे। गुडविल का अमाउंट कितना आ रहा है? 4,000 और 4,000 आ रहा है। चलो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? कैश बैंक अकाउंट करेंगे। कितना बैंक का टोटल? 12 और 4 4 20 हो गया। यहाँ पे भी 20,000। ये आपका माई कौन है? चलो स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट टेल मी, 20,000 - 0 कितना होता है? 20,000 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बताओ बैंक को हम लोग कहाँ डालेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज बैंक इज एन असेट फॉर अस, बैंक में जितना भी बैलेंस है वो सब अपने लिए असेट है, तो बैंक को असेट में डालेंगे 20,000। जैसे हम रेगुलर सब सम करते वैसे ही कर रहे हैं, हमने दोनों वर्किंग नोट को पहले कंप्लीट कर दिया। इज दैट ओके? चलो दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट कर दिया, अभी बताओ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे। टेल मी व्हिच साइड इज हैवी? क्रेडिट साइड हैवी लग रहा है। 7,600 7,600 चलो माइनस करके बताओ स्टूडेंट्स कितना अमाउंट आएगा? पक्का 7,000? कितना? 3,000 है ना? 3,000 4,000 4,720 कितना? 2,880 चलो 2,880 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब 2,880 को कौन से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 3:2 दिया ना? 3:2 कौन है? 3:1 चलो 3:2 है स्टूडेंट्स, दिया हुआ है मैं क्वेश्चन में, 3:2 दिया ना। चलो पहले डिवाइड बाय 5 करेंगे। 2,880 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 576 होता है। चलो तो अभी 576 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 1,728 चलो चलो स्टूडेंट्स खुद से चेक करो, ये अमाउंट रॉन्ग भी हो सकता है।
क्या देखूंगा बेटा, आप कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे बैठे बैठे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम क्या दोनों का, नर्मदा और गोदावरी। इज दिस ओके स्टूडेंट्स? 1728 मैं एक बार चेक कर देता हूँ। 0 1 carry 8 1 carry 8, हाँ चलो राइट लग रहा है मेरे को भी। 2880 स्टूडेंट्स 1728, अभी इसको कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लेके जाएंगे। 1728 1152 1728 और क्या था 1152 बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इस इज ओके स्टूडेंट्स, चलो क्लोज करेंगे। ये 12,000 और ये 12,000 तो पूरा टैली हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। कावेरी का तो टैली हो रहा है, 12,000 पूरा का पूरा टैली हो रहा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। चलो आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू द कैलकुलेशन नाउ। बताओ गोदावरी बताओ पहले। 37 अच्छा 30,752 बराबर, तो 30,752 अब करो 14,400 माइनस करो, 30,752 को 14,400 माइनस करो 16,352 कितना आ रहा है बेटा, 1652 आ रहा है। चलो ठीक है, अभी इसका करेंगे 2800 30,000 30,000 431,000 32 कितना आ रहा है, कितना 32228। चलो सब लोग चेक करेंगे, किसी एक के भरोसे नहीं बैठेंगे। 32228 और -21,600 कितना 10,628 आ रहा है क्या, 528 आ रहा है या 628 आ रहा है। चलो 10,528 पक्का एकदम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार अमाउंट चेक करके मेरे को बताओ पक्का राइट है क्या। सर 32128 होगा। कितना 32128 होगा। स्टूडेंट्स कोई बोल रहा है 32128 हो रहा है। 32128 पक्का। क्या तुम लोग इतने सारे बच्चे लोग मिलकर रॉन्ग कर रहे हो कैलकुलेशन, आज रुपेश होता हमारे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 32128 क्या करूं, 38228 करूं, 128 करूं, चलो 128 करता हूं। अब 10528 आएगा कि कुछ और आएगा, तो ये कैसे राइट आता तुम लोग का, कॉपी भी करते हो। अच्छा स्टूडेंट्स अब मेरे को बताओ, देखो अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, ध्यान से वापस क्वेश्चन रीड करेंगे वन लास्ट टाइम। स्टूडेंट्स देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ कैपिटल, जितना भी एक्सेस है, हमने पहले कैपिटल तो फाइंड कर दिया था 21,600 14,400 12,000, अब जितना भी एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जितना भी एक्सेस अमाउंट है इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और लोन कहाँ पर आता है, लोन वर्ड कहाँ पर आता है, लायबिलिटी साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर। अब फाइनल ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट बैलेंस शीट जाएंगे और यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब जितना भी एक्सेस अमाउंट था ना वो हम लोग लोन का नाम दे देंगे और क्या लिखेंगे, गोदावरी और कावेरी लिखेंगे। हाँ नर्मदा गोदावरी, बताओ अमाउंट बताओ क्या 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 6,413 कितना है। अरे यार स्टूडेंट्स यहाँ पे अमाउंट कितना है अपना, 10,528 और 16 कुछ भी बोलते हैं। चलो ये याद रखना, 10,528 में एक याद रख रहा हूँ, 10,528 में याद रख रहा हूँ, 10,528। दूसरा कौन सा याद रखना है, 16,052। बताओ दोनों का टोटल कितना होता अभी, 26,880 ठीक है। चलो अभी बॉयज क्या करेंगे, ठीक है बॉयज लाइब्रेरी सेट कैलकुलेट करेंगे और गर्ल्स ऐसे सेट कैलकुलेट करेगी।
1,24,000 अच्छा लाइब्रेरी भी सेम यही आ रहा है बच्चे लोग 1,24,480 पक्का शबरी यही आंसर आ रहा है 1,24,480 आ रहा है शबरी सर कर रही हूँ कैलकुलेट अच्छा साक्षी आपका आंसर आया 1,24,480 हाँ सर मेरा कब का हो गया था सर ये साक्षी भी एक है ना दिया ही है ऐसा बोलते कब का हो गया था ये दिया एक लड़की भी ऐसी है कुछ भी इसको बोलते बोलते सर हो गया बहुत सारे पहले ही हो गया मेरे को लगता है इसका दसवीं में बारहवीं के सारे सम हो गए दिया के अभी सिर्फ वो एक अटेंड कर दिया लेक्चर कशिश आपको आ रहा है बेटा सर राइट है बेटा शर्वरी को तो आ रहा है कशिश अरे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उसको आ रहा है मतलब वी विल वेट फॉर कशिश बेटा आप ट्राई करो मैं ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ देखो कमीशन पहुंच जाएगा शर्वरी तेरा आधा फीस तो कशिश को जाना देखो पता है क्या कमीशन बेसिस पे चलो ठीक है श्रेयस देखो अब मैं एक बार खाली इसको खाली एक बार गो थ्रू करेंगे पूरा सम सिमिलर था खाली एक लास्ट पॉइंट एक्स्ट्रा था स्टूडेंट और लास्ट पॉइंट करने के लिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ा था सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ा था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया था यहाँ पर हमने न्यू कैपिटल फाइंड किया था न्यू कैपिटल फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया था अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लर्न कर लो ये जो न्यू कैपिटल फाइंड करेंगे वो कहाँ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इज दैट ओके चलो यू हैव टू मिनट्स इसके बाद हम अभी मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग वो स्टॉप कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया है पर हम लोग क्या करेंगे एक सम डिस्कस करेंगे आप लोगों को होमवर्क में देने वाला हूँ सिमिलर सम